हेलो एंड वेलकम टू ओपेरिनिस्टिक। अराइवल ऑफ यूरोपियंस के इस लेसन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पोर्चुगीज़ के बारे में जान रहे हैं और ये हमारा भाग दो है। तो पिछले पार्ट में हम लोग जान चुके हैं कि किस तरह से वास्को डगामा भारत आए और किस तरह से अपने साम्राज्य को स्थापित करने की दिशा में पोर्चुगीज़ ने अपना कदम बढ़ाया। आज हम लोग उसके आगे की स्टोरी जानेंगे। 1503 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये गवर्नर के रूप में भारत भेजे गए एस्टाडोडा इंडिया में, यानी कि पोर्चुगीज़ एम्पायर में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा काफ़ी अग्रेसिव गवर्नर थे, काफ़ी आक्रामकता थी उनमें। उन्होंने कुछ किले भी बनवाए यहाँ पर, जैसे कोचीन में बनवाया, कनौर में बनवाया जो कि कर्नाटक में स्थित है, अंजादीवा जो कि गोवा में स्थित है। तो काफ़ी उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, जो पोर्चुगीज़ एम्पायर था उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। हालांकि जो मुस्लिम कॉन्फेडरेसी थी इसके खिलाफ उनको काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी। अब यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो अरब ट्रेडर्स थे, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, उनके ट्रेड को काफ़ी हद तक कम कर रहे थे ये पोर्चुगीज़, उनके ट्रेड को बर्बाद कर रहे थे, उनके ट्रेड को छोटा कर रहे थे और उनसे लगातार युद्ध भी लड़ रहे थे, उनकी ताकत को भी कम कर रहे थे। तो इसलिए एक कॉन्फेडरेसी थी मुस्लिम्स के बीच में जो कि पोर्चुगीज़ को हटाना चाहती थी, रास्ते से हटाना चाहती थी। तो एक कॉन्फेडरेसी जो थी वो इजिप्ट के मुस्लिम्स, टर्की के मुस्लिम्स और गुजरात के मुस्लिम्स की मिली जुली कॉन्फेडरेसी थी, एक मिला जुला दल था जिसके खिलाफ अच्छी खासे युद्ध करने पड़े फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। और इन युद्धों के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा मजबूत होकर उभरे और ये जो मुस्लिम कॉन्फेडरेसी था ये कमज़ोर हो गया। इन्होंने इस पूरी कॉन्फेडरेसी को कई बार अटैक किया, कई बार उनके द्वारा भी अटैक किया गया और इन्होंने उनको हराने में सफलता दर्ज की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अंत में विजयी होकर उभरे, लेकिन 1510 में उनकी मृत्यु हो गई और ये उसके बाद जो बहुत कुछ कर सकते थे वो नहीं कर पाए। इनके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आए और यहाँ से राइज, एक अलग तरह का राइज पोर्चुगीज साम्राज्य के अंदर आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो आक्रामकता थी और जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ युद्ध किए थे ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और पोर्चुगीज़ काफ़ी हद तक अब सेटल हो रहे थे। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी और आगे पहुंचा दिया। इन्होंने गोवा को 1510 में इन्वेड किया और उन्होंने बैटल ऑफ गोवा लड़ी 1510 में, और इसमें सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह जो थे इनके साथ थे। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इन्वेडेड गोवा इन 1510 एंड फॉट द बैटल ऑफ गोवा विद द फोर्सेज ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह। इन दिस बैटल ही वॉज एबल टू टेक पोजिशन ऑफ सम ऑफ टेरिटरीज ऑफ गोवा एंड मेड देम द पोर्चुगीज कॉलोनीज। सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह के साथ जो इनका युद्ध हुआ, इस युद्ध में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क विजयी होकर उभरे और उन्होंने काफ़ी क्षेत्र जीता, काफ़ी भूमि जीती और इस बैटल के बाद उन्होंने गोवा की काफ़ी टेरिटरीज़ को अपने राज्य में मिलाया और उन्हें पोर्चुगीज़ कॉलोनी बनाया। इसे ही बैटल ऑफ गोवा के नाम से जाना जाता है जिसमें अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह को हराया और गोवा की बहुत सारी भूमि उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो थे वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही तरह के सिक्के निकालते थे। 1511 में उन्होंने मलेशिया, उस समय का मलक्का, तो मलक्का या आज के डेट के हिसाब से मलेशिया देख लें, उसको हराया अरब मर्चेंट्स के साथ एक फियर्स फाइट में। एक अच्छी खासी लड़ाई हुई जहां पे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने अरब मर्चेंट्स को हराया और मलक्का को पोर्चुगीज़ अपने राज्य में मिलाने में सफल हुए। अल्बुकर्क को माना जाता है कि ये पोर्चुगीज़ कॉलोनियल एम्पायर को बसाने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। अल्बुकर्क इज़ नोन एज रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ कॉलोनियल एम्पायर
एंड अ पोर्चुगीज कल्चरल एम्बेसडर ऑल्सो. एक पोर्चुगीज कल्चरल एम्बेसडर के रूप में भी इनको देखा जाता है, सांस्कृतिक दूत के रूप में भी देखा जाता है. तो सांस्कृतिक दूत के रूप में इनको क्यों देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने पोर्चुगीज कल्चर को भी भारत में और जो भी इलाके इन्होंने जीते थे वहाँ पे फैलाया. उन्होंने अपने साथ जो वर्कर्स लाते थे, पोर्चुगीज़ जो अपने साथ जो वर्कर्स लाए थे जो कि लोअर क्लास ऑफ पोर्चुगीज सेटलर्स थे, लोअर क्लास पोर्चुगीज़ जो कि सेवक सेविकाएं वगैरह जो थे, उनको इन्होंने एनकरेज किया कि वो भारतीय महिलाओं से शादी करें. और भारतीय महिलाओं से शादी कराने के लिए इन्होंने फोर्स का भी उपयोग किया, तो फोर्सफुली भारतीय महिलाओं से उनकी शादी भी कराई. यहाँ पर इन्होंने एक और काम शुरू किया जो विडो मैरिज को भी इन्होंने शुरू करवाया, तो जो महिलाएं विधवा थी उनकी भी शादी पोर्चुगीज सेटलर्स के साथ इन्होंने करवाई. और वहीं से पोर्चुगीज जो थे वो सेटल होना शुरू हो गए. द पोर्चुगीज स्टार्टेड सेटलिंग इन गोवा एंड मैरिंग द लोकल लेडीज. तो लोकल लेडीज़ के साथ, लोकल महिलाओं के साथ शादी कराने का जो इनका तरीका था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ. पोर्चुगीज़ भी यहाँ पर सेटल होना शुरू हो गए और इस तरह से वो कल्चरल एम्बेसडर के रूप में भी सामने आए. जब पोर्चुगीज़ यहाँ पर सेटल होना शुरू हुए तो वो अपने कल्चर के हिसाब से जीना उन्होंने शुरू किया और लोकल लोगों को अपना कल्चर इन्फोर्स करना भी शुरू किया और जिस तरह से अपना कल्चर जो था वो बढ़ाना शुरू हो गया. अल्बुकर्क वॉज द फर्स्ट टू अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती. अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों से भी पहले सती की जो प्रथा थी इसको ख़त्म करने में अल्बुकर्क ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था. अपने जीते हुए क्षेत्र में, अपने राज्य में अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर टोटल बैन लगाया. और चूंकि उस समय बहुत ही प्रेवलेंट था, उस समय बहुत ही पॉपुलर था ये सती प्रथा, तो उसको बंद कराकर और जो महिलाएं विधवा हो जाती थी जिन्हें सती के लायक माना जाता था उनकी शादियां पोर्चुगीज़ लोगों से करवा दी गईं. तो ये उनका जो तरीका था अल्बुकर्क का, ये उनको कल्चरल एम्बेसडर के रूप में स्थापित कर गया. उसके बाद अल्बुकर्क के बाद आए नूनो दा कुन्हा. ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर सिद्ध हुए. इन्होंने मुम्बासा जो कि केनिया में है, मोजाम्बिक जो कि साउथ ईस्ट अफ्रीका, ये सब क्षेत्र भी पोर्चुगीज़ को जीत कर दिए. काफ़ी एग्रेसिव नूनो दा कुन्हा भी हुआ करते थे. तो ये सारे क्षेत्र उन्होंने पोर्चुगीज़ क्षेत्र में मिला लिए. इनके टर्म में जब नूनो दा कुन्हा थे तो वास्को भी भारत में आए थे, लेकिन बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए आए थे. उस समय उन्हें वाइस रॉय का टाइटल दिया गया था वास्को को, लेकिन 1524 में वास्को की मृत्यु हो गई. तो इस तरह से पोर्चुगीज़ का जो साम्राज्य था वो आगे बढ़ा, स्थापित होता गया. बहुत सारे एरिया उन्होंने जीता, अपने कल्चर को भी फैलाया. अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पोर्चुगीज़ का डाउनफॉल कैसे हुआ. अगर इतने तेज़ी से वो फैल रहे थे, अरब मर्चेंट्स को इतनी आसानी से हरा रहे थे, हर तरह से उनके लिए पॉजिटिव हो रहा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया. इसकी चर्चा हम लोग अगले लेसन में करेंगे. आपको हमारे ये लेसन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा. अगले लेसन में आपसे फिर से मुलाकात होगी. नमस्कार.